अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ एकदम लजीज और टेस्टी चटपटा मटन निहारी बनाने का बहुत ही ज़्यादा आसान सा तरीका। आप बकरायद के टाइम पर इस रेसिपी को बना सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में यह रेसिपी बन के तैयार होगी, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे काम होते हैं तो आपको हर कुछ बनाना होता है। तो आप यह टिप्स फॉलो करके बहुत सारी रेसिपीज बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप की। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्रेशर कुकर में लेना है 200 ग्राम सरसों का तेल। इसे गर्म कर लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे 2 बड़े साइज की प्याज रफली चॉप की हुई। और प्याज डालने के बाद गैस की फ्लेम हाई करके प्याज को हम यहाँ पर गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे प्याज जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे बकरे की शीरी पाए। और इसको डालने के बाद हम गैस की फ्लेम हाई करके इसे बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जिससे कि इसमें जो स्मेल वगैरह होगी वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ पाउडर्ड मसाले। मसाले डालते वक्त आप गैस की फ्लेम लो कर दें। आधा टीस्पून डालेंगे नमक, 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून डालेंगे हल्दी का पाउडर, 2 टीस्पून भर के हम इसमें डालेंगे धनिया का पाउडर, 2 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये तीखी कम होती है लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आता है, आधा टीस्पून काली मिर्च और आधा टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, और आधा टीस्पून डालेंगे हम इसमें सौंफ का पाउडर। अब हम यहाँ पे डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो 1 चक्री फूल लेंगे, 2 इंच लेंगे दालचीनी लकड़ी का टुकड़ा, थोड़ी सी जावित्री लेंगे, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 लेंगे छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग ले लेंगे, आधा टीस्पून लेंगे शाहजीरा और 2 तेज़पत्ता ले लेंगे। अब इन साबुत मसालों को हम इसमें डाल देंगे। अब आपको यहाँ पे दोबारा से गैस की फ्लेम हाई करनी है और हाई फ्लेम पे हम मसालों के साथ इन सभी चीज़ों को खूब अच्छे से भून लेंगे, जिससे कि इसमें जो स्मेल वगैरह होगी वो ख़त्म हो जाएगी और मसाले हमारे यहाँ पे हल्के से पक भी जाएंगे। अगर यहाँ पे ये बीच में जलने लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे इसे गलाने के लिए 2 कप पानी, जिससे कि ये जो पीसेस हैं एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। और पानी डालने के बाद इसे हम एक बार मिक्स कर लेंगे और इसका ढक्कन लगा देंगे। और ढक्कन लगाने के बाद हम इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे और 15 से 20 मिनट में यह एकदम पक के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे 20 मिनट हो गया इसे पकते हुए। अभी मैं आपको यहाँ पे इसे चेक कराती हूँ। तो यहाँ पे जो पीसेस हैं वो अच्छी तरह से गल गए हैं। अब हम यहाँ पे दोबारा से गैस की फ्लेम हाई करेंगे और इसे हमें यहाँ पे सबसे पहले भूनना है। भूनने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, तो यहाँ पे आप इसे ज़रूर भून लें, जिससे कि इसमें जो मसालों की कच्ची स्मेल होगी वो निकल जाएगी। तो इन सभी चीज़ों को मैंने भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे ग्रेवी के लिए पानी। तो पानी मैंने यहाँ पे 2.5 कप डाला है। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इसमें ग्रेवी लगा सकते हो। अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और इसमें हम बॉईल आने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो गया है और ये अच्छी तरह से पक गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये डालना ऑप्शनल है, लेकिन डालेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ मैंने 1 हैंडफुल डाल दिया इसे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और चलिए अब हम यहाँ पे इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे इस रेसिपी को नान, कुलचे, चपाती या फिर राइस के साथ सर्व करिए। यह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बहुत ही टेस्टी यह रेसिपी बन के तैयार हुई है। आप देख सकते हैं देखने में इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है, खाने में तो ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो एक बार आप मेरी इस रेसिपी को मेरे मेथड से ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही कम टाइम में यह रेसिपी बनके तैयार होगी और आपको घर के मसालों से ही इस रेसिपी को बनाना है, बाहर से भी कुछ नहीं लाना पड़ेगा। तो आप रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हूँ तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।